आर्मी क्या तो सब मजे में ना। 5 महीने के बाद दोस्त है या मैसेज है वीडियो देखे बाद मालूम होता। मेरे लिए तो पेरेंट्स सॉरी बाप सॉरी फादर्स बाप बाप रहेगा वाला दोस्त है। फादर्स ओनली फादर्स दोस्त ओके ना, खाली फादर दोस्त है इस बार। तो टॉपिक देख के तो तुम टाइटल देख के तो तुम लोग समझ में नहीं आऊंगा, वीडियो देखो समझ में आ जाता। नहीं क्या मैं समझ में आता भी आ जाता समझ में। अरे मेरी वीडियो तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है हो सकता नहीं हो सकता। और ये वीडियो बहुत ज्यादा सीरियस है और मैं हंस रहा हूँ, मेरी आदत है हंसने की। बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत जनों की जल के अंगार होने वाले हैं। बहुत जने मिले से अगर कहीं अगर इन लोगों को लगा तो क्या बोलते रिश्ता बर्खास्त करने वाले हैं। एक चीज ये वीडियो तुम्हारे वास्ते नहीं होती, अगर तुम समझ रहे हैं तुम्हारे को लगी ये वीडियो तुम्हारे वास्ते जो खाना खा लो खत्म। बेटी पढ़ाओ वाओ आई एग्री कि एक बाप अपनी बेटी को खूब पढ़ाता है खूब लिखाता है, लेकिन जब बात उसकी गोल्स की आ जाती है ना तो वो बाप जमाने की परवाह करता है। इतना पढ़ाई क्या फायदा जब बच्ची को अपनी बेटी को गोल्स या जॉब या कुछ करने के लिए अलाउड ही नहीं है। एंड मोमेंट में सबको जमाने की परवाह हो जाती है। एक बात बोलूं, आई नो कि जमाना खराब है लेकिन आपकी बेटी खराब नहीं है। जमाना खराब है लेकिन आपकी परवरिश खराब नहीं है। हाँ अगर आपकी परवरिश में थोड़ी सी भी कमी रह गई होगी ना तब ये फिक्र करना लाजमी है, वरना जिसने परवरिश लाजवाब की होगी ना उसको जमाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। चलते चलते कंधे पे बिठा लो पापा, अंधेरे से लगता सीने से लगा लो ना पापा, पाल पोंछ कर बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ना पापा, अब डोली में बिठा दिया, आंसू तो मत बहाओ ना पापा, आंसू तो मत बहाओ ना। ये बात ही होता है जो एक वक्त तक बेटी को हर खुशी देता है, हर ख्वाहिश पूरी करता है, घूमना फिरना खिलाना पिलाना शॉपिंग कराना, लेकिन जब बात उसकी जिंदगी की आती है ना तब एक अपने जैसा कोई ढूंढ कर दे देता है। और जब कोई बेटी आवाज उठाती है ना तब ये उनसे ये कहते हैं कि सारी जिंदगी सारी उम्र हमने तुम्हारे ख्वाहिशात पूरे किए हैं, अब तुम्हारी बारी। यूं कहूं तो इसे बलि कहते हैं। वहां भी सेम किसी जानवर को खूब खिलाते पिलाते घुमाते फिराते एंड जब वक्त चढ़ता तो बलि चढ़ा देते। अपने बेटियों के साथ यही कर रहे हैं आजकल बाप लोग। एक बेटी को चाहिए आजादी, कब समझोगे जब बेटियां अपनी जान से हाथ धो बैठेगी, जब आई नो मैं आपकी फेवरेट यही फेवरेट लड़की जब कुछ मांगती है तो उसे फैमिली का डर दिखाकर चुप क्यों करा देते, कहीं जाने बोले तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा कहकर उसकी हिम्मत क्यों तोड़ देते हैं, किसी से खुल के बात करने क्यों नहीं देते। अरे समझा करो, हर बात बाप को बताई नहीं जाती, उसके लिए फ्रेंड चाहिए बहन चाहिए या भाई चाहिए, हर बात बाप को बताई नहीं जाती। तो लड़का तो लड़का, अगर किसी लड़की से भी ज्यादा लंबी बात कर लिया कुछ लंबा कॉन्वर्सेशन कर लेना ये उस पर लगा देते अपनी बेटी पर। तो मेरी नजर में तुम बाप नहीं एक सेल्फिश इंसान हो जो अपने मतलब अपनी खुशी के खातिर अपनी बेटी के ख्वाहिशात को कुचल देते हो। गिनने जाऊंगी तो गिन नहीं पाऊंगी कि कितनी बार ये लगता है कि अब जीने के लिए क्या ही बचा है, कितनी बार ये लगता है कि इस सबसे तो मरना अच्छा है, कहना गलत होगा पर हमेशा के लिए सोने का मन करता है। एक बात कहूं, इस दुनिया में यूं तो बहुत कुछ अधूरा है लेकिन अधूरापन जब इस दिल पे हावी हो जाता है तब इंसान अक्सर मरने के लिए राजी हो जाता है। देख रहे हो ना सो कॉल्ड फादर, तुमने कभी अपनी बेटी से जानने की कोशिश की है क्या हुआ है, कुछ चाहिए क्या, कोई चीज जो तुम्हें परेशान कर रही है? एक बाप होने के खातिर ये जानने की कोशिश की है कि उसके दिल में चल क्या रहा है, वो जिद करने वाली लड़की उदास क्यों रहने लगी? नहीं तुम क्यों पूछोगे, तुम तो बाप हो ना, तुमने उसे पैदा किया तुमने उसे बड़ा किया यही काफी है ना, तुम क्यों पूछोगे? अरे जरा सोचो, इसी वजह से वो प्यार की तलाश बाहर करती है और इसी का फायदा कोई नीच इंसान उठा लेता है। और जब जो प्यार तुम उसे नहीं दे रहे वो कोई और दे रहा है।
तो जब लड़की घर छोड़कर भागती है तब जमाने से कहते फिरते कि क्या कमी रह गई हमारी परवरिश में। अरे यही कमी रह गई, तुमने उसे सिर्फ बड़ा किया है, परवरिश नहीं दी। तो जब उसके साथ कुछ गलत हो जाता है या बुरा हो जाता है, उसकी बात रखने का एक मौका नहीं देते, ना तुम ना तुम्हारा सो कॉल्ड जमाना। इसी वजह से कई बेटियां अपनी जान से हाथ धो बैठती है। अरे समझा करो, समझे ठीक से नहीं काट सकते थे नस, एक में ही सारी मुश्किलें खत्म हो जाती। जिंदगी भर का रोक मनाने से 13 दिन का मातम अच्छा। और गलती जो अपने आप को एक बेटी का बाप बताने वाले करते कि उसकी हर गलती पर ताने, हर बात पर अफसाने। मासूम फूल जैसी लड़की कितना सहन कर पाएगी? अरे मन बुद्धि इंसानों, गलती पर सजा नहीं प्यार से समझाना चाहिए। लड़कियां एक नाजुक फूल की तरह होती है जिसे तुम जितना प्यार दोगे, जितना हक दोगे, जितनी आजादी दोगे ना, वो उतना निखरेगी। जितना तुम उसे टाइट करोगे, जितनी तुम उसकी परवाह नहीं करोगे, वो मुरझा जाएगी। बेटी सबको लाजवाब चाहिए, लेकिन लाजवाब बाप बनना कोई नहीं चाहता। बेटी सबको अच्छी परवरिश वाली चाहिए, लेकिन उसकी परवरिश करना कोई नहीं चाहता। बहू सबको चाहिए, लेकिन बेटी पालना कोई नहीं चाहता। अगर इसे बाप कहते हैं ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बहुत वाहियात तरीके से पास हो चुके हो। हमारे माँ बाप बेटियों का रिश्ता आने पर ये देखकर खुश हो जाते हैं कि लड़का रिच है, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, शानदार घर है, उसकी फैमिली नस्ल दर नस्ल खानदानी है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि पर्दे के पीछे दरीचे से नजर आने वाला मंजर क्या है, कहाँ खुलता है, क्या कहता है। कुछ बाप जो कि बिजनेसमैन होते हैं, जो कि अपनी बेटी का सौदा कर देते हैं, मतलब लड़का अच्छा कमा लेता है, उसका बिजनेस है, उसका ओन घर हो, दिखने में कैसा भी हो, रिश्ता फिक्स कर देते हैं। ये नहीं पूछते कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, यहाँ तक कैसा आया। नहीं, इसमें थोड़ी इंटरेस्ट होता है, तुम तो बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, तुम्हें तो बिजनेस करना है ना, बिजनेस। शादी विवाह ये सब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, बिजनेस मायने रखता है, सो कॉल्ड बिजनेसमैन फादर्स। शादी में सब पसंद का लाया गया मगर, शादी में सब पसंद का लाया गया मगर, अपनी पसंद का उसे दूल्हा नहीं मिला। कर्जा लेकर अपनी जिंदगी भर की जमा कुंजी लगाकर शादी करते हैं, सब कुछ देते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते, लेकिन जिसके लिए सब करते उसे एक बार पूछते कि लड़का तुम्हें पसंद है या कुछ चाहिए, तुम खुश हो या नहीं। नहीं, वो क्यों पूछोगे तुम? लड़का तुमने पसंद किया है तो बेस्ट ही होगा तुम्हारे हिसाब से। अरे जरा सोचो, उसके साथ जिंदगी पूरी तुम्हारी बेटी को गुजारनी है, तुमको नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए उसकी सोच, उसकी पसंद मैटर ही नहीं करती। तुम बाप जो ठहरे, तुमने जिंदगी भर उसके लिए इतना किया ना। और जो मेरे को ये ज्ञान देते ना कि जब एक बेटी का बाप बनोगे तब पता चलेगा। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इंशाल्लाह अगर मेरे को बेटी भी ना तो मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा सबको कि बेटी किस तरीके से पालते, मैं बताऊंगा बेटी को किस तरीके से परवरिश देते, बेटी को किस तरह से रखते, बेटी को किस तरह फूल की तरह निखारते, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह अगर मेरे को बेटी भी तो तुम सबको बताऊंगा कि बेटी पालते कैसा है। तो तुम्हारे लिए एंड में एक लाइन गाना चाहूंगा मैं। बेटियों को मारते बेटियां ना पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते, लड़कियां पटाके उनको बंदी बोलते, और जो राजी ना हो उनको साले। बाप रोज माथे से जो हाथ जो उठाएगा, बेजुबान बोलने से पहले सीख जाएगा कि मर्द तब बनेगा जब तू और से दबाएगा, सोचिए रही तो जल्दी देश डूब जाएगा। खत्म। और वाकई में बताऊंगा कि असल बेटी की परवरिश करना और बेटी पालना किसको कहते हैं, अगर मेरे को बेटी हुई इंशाल्लाह। तुम सबको असली हैसियत बताऊंगा कि तुम जो बाप बने फिरते हो ना, कि बाप बनोगे तो पता चलेगा बेटी का, और मैं बनूंगा ना जब बेटी का बाप, तब तुमको बताऊंगा कि ऐसा होता बेटी का बाप, और एक ऐसी होती बेटी की परवरिश, और ये होती बेटी बल। तुम जो कर रहे हो वो बकरा है, वो बलि है, वो तुम क्या बोलते हो, उसकी परवरिश नहीं कर रहे, उसको बड़ा नहीं कर रहे, तुम जस्ट उसको पाल रहे, उसकी एंड मोमेंट में उसकी बलि दे दे रहे, खत्म। असल में बच्ची पालना, असल में लड़की, असल में बेटी को परवरिश करना, मैं बताऊंगा, समझे ना।
सो दैट्स इट एवरीवन। आई डोंट नो कितनों की जली कितनों की नहीं जली, और मालूम ना अपना मैटर सेम था सेम है सेम रहेगा, झुकेगा नहीं, हर गिर झुकेगा नहीं साला। जो भी बोला फैक्ट्स बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। हाँ अगर तुम्हारे और तुम ना देखो ना को देखो तुम्हारे अम्मा बाबा को जरूर बताओ। और ये वीडियो मैं बोल रहा हूँ सब पेरेंट्स के लिए नहीं है, और जिसको ये वीडियो लग रही बराबर तुम्हारे वास्ते हो, बराबर है तुम्हारे वास्ते। अगर तुम्हारे ये वीडियो लग रही, तुम बाप है या तुम जो भी हो, तुम बाप हो ना, अगर तुम्हारे ये वीडियो लग रही तो तुम बराबर हो। ऐसे वक्त है समझ जाओ, जब समझना चाहोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट रोस्ट वीडियो में मिलेंगे अपन, कैसा मिलेंगे और नेक्स्ट रोस्ट वीडियो के आपसे टॉपिक सजेस्ट करो। और मेरे को नहीं मिल रहा और थोड़ा लंबा गैप हो गया था, उसके लिए सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। और अपन भी थोड़ा बिजी चल रहे थे उस हिसाब से। तो मिलेंगे नेक्स्ट रोस्ट वीडियो में बहुत 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 जल्द। तब तक के लिए एक शायरी बोल के एंड करेंगे, अपन भी शायर है ना उस्ताद, बोलो ना को बोलो शायरी। हा 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 जानवर बाद में बोलेंगे, टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम फिर क्या मैं तुम्हारा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट ब्लडी आर्मी।